सब्सक्राइब करें नविता'स किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते हमारी नई रेसिपी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, नविता'स किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है आलू गोभी। आलू गोभी की सब्जी हर घर में बनाई जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बनने वाली सब्जी है। आज हम इसको बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे, तो चले बनाना शुरू करते हैं आलू गोभी की सब्जी। आलू गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम गोभी ली है। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। मटर लिए है मैंने आधी कटोरी, ये लगभग 100 ग्राम मटर है, ये ऑप्शनल है। 2 मीडियम साइज आलू लिए हैं जिनको मैंने इस तरह से काट लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई, 1 इंच की अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, 2 मीडियम साइज प्याज बारीक कटे हुए, 1 बड़ा टमाटर जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। मसाले मैंने लिए हैं नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, आप तीखा अपने हिसाब से ले सकते हैं, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, सूखी मेथी 1 छोटा चम्मच, धनिया हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए, तेल सब्जी बनाने के लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं आलू गोभी की सब्जी। कढ़ाई को गैस पे रख देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देंगे। कढ़ाई में हम 6 से 7 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें जीरा डाल देंगे। जीरे को हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, इसको थोड़ा सा चला लेंगे। अब हम इसमें अदरक और प्याज भी डाल देंगे, इनको अच्छे से चला लेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। प्याज का कलर हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च डालकर इनको मिक्स कर देंगे इस तरह से। इनको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर डालने के बाद मैंने इसे लगभग 1 मिनट तक पकाया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। नमक को मिक्स करने के बाद हम इसमें आलू और मटर डालकर इनको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 3 से 4 मिनट तक इसको ढक कर पका लेंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसको अच्छे से चला लेंगे। फ्रेंड्स, आलू को पकने में टाइम लगता है और गोभी बहुत जल्दी पक जाती है, इसलिए हमने पहले आलू को हाफ पका लिया है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारा मसाला गोभी के ऊपर भी लग जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसको। हमने गोभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 8 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर ढक कर पका लेंगे और 2 से 3 बार इसको ढक्कन उठाकर चलाते भी रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, चलें अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इस टाइम पे हम मेथी को हाथ के साथ क्रश करके इस तरह से गोभी में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पका लेंगे ताकि इसका जो थोड़ा बहुत कच्चापन रह गया है वो भी खत्म हो जाए और गोभी अच्छे से पक जाए। इसको ढक देंगे। 4 मिनट हो चुके हैं, तो चलें फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। आलू गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कि आलू कितनी आसानी से टूट रहे हैं, ये देखें बहुत ही आसानी से टूट रहे हैं। और अगर आपको इस टाइम पे लगे कि आलू कच्चे हैं तो आप 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको ढककर और पका सकते हैं। हमारी आलू गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। आलू गोभी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आलू गोभी की सब्जी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी इस रेसिपी को घर पर जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।